हाय दोस्तों, स्वागत आपके पसंदीदा चैनल जी के भाई युवराज में। दोस्तों और साथ साथ में भूकंप के पार्ट थ्री में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भूकंप का पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आज पार्ट थ्री में बहुत सारी जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट देखना नहीं भूलना। बिना देखा वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों भूकंप के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका आज पार्ट थ्री है। दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं भूकंप की उत्पत्ति। अंतर्जात और बहिर्जात बल की ऊर्जा जब निष्कासित होती है तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है, दोस्तों तरंगे उत्पन्न होती है। शुरू सुनते हैं भूकंप की उत्पत्ति। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की जो ऊर्जा निष्कासित होती है, बल की जो ऊर्जा है वो निष्कासित होती है तो उससे दोस्तों जो तरंगे उत्पन्न होती है तो उससे पृथ्वी पर कंपन होता है। पृथ्वी पर कंपन होता है तो दोस्तों भूकंप आता है। क्या आता है दोस्तों? जब पृथ्वी पर कंपन होता है तो भूकंप आता है। समझ में आ गया कि भूकंप की उत्पत्ति दोस्तों अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की ऊर्जा निष्कासित होती है, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है उसी से उससे दोस्तों पृथ्वी पर कंपन होता है। पृथ्वी पर कंपन होगा तो भूकंप आएगा। केलो दोस्तों, जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की जो ऊर्जा है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जो ऊर्जा निष्कासित होती है दोस्तों अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की, उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि ऊर्जा निष्कासित होती है जो तरंगे उत्पन्न होती है उनसे पृथ्वी पर कंपन होता है और भूकंप आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तरंगे कौन कौन सी होती है। ऊर्जा निष्कासित होती है, उसके बाद जो तरंगे उत्पन्न होती है कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भूकंपीय तरंगे क्या होती है? दोस्तों भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंप का जो भूकंप पर कंपन होता है तरंगों द्वारा, तो उसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है दोस्तों, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक तरंगे और दूसरा द्वितीयक तरंगे। किन भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है भूगर्भिक तरंगे को प्राथमिक तरंगे में और द्वितीयक तरंग में, और धरातलीय तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? धरातलीय तरंगों को बस लव तरंगे भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहते हैं दोस्तों? जो धरातल तरंगे हैं इनको लव तरंगे भी कहते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि इसे इन्हें लव तरंगे क्यों कहते हैं, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो और जो भूगर्भ तरंगे उन्हें दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। दोस्तों आगे हैं दोस्तों भूगर्भिक तरंगे, उनको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। किनको? भूगर्भिक तरंगों, जो भूकंपीय तरंगे थी उनको दो भागों में बांटा गया, तो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। उनमें से जो भूगर्भिक तरंगे थी उनको दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। दोस्तों हम प्राथमिक तरंगों को हम पी से लिखते हैं और द्वितीयक तरंगों को हम एस से लिखते हैं। एस जो इंग्लिश का वर्ड है ना, एस, उससे हम द्वितीय तरंग को लिखते हैं, और जो इंग्लिश का जो वर्ड है पी, उससे हम प्राथमिक तरंगों को लिखते हैं। अब है प्राथमिक तरंगे। सबसे पहले धरातल पर दोस्तों, जब यह भूकंप का उद्गार होता है, ये धरातल है और उसके नीचे भूकंप का उद्गार होता है, जहां उद्गार होता है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं, और जहां
जो तरंगे हैं भूकंप के, जो तरंगे हैं जब उत्पन्न होता है भूकंप, तो जो तरंगे हैं वह निकलती है। तो जो तरंगे हैं सबसे पहले जो धरातल पर पहुंचेगी, जो तरंग सबसे पहले धरातल पहुंचेगी दोस्तों, उसे हम प्राथमिक तरंगे कहेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। क्या पहुंचती है? सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। अब इनका सर्वाधिक वेग कितना है, इनका सर्वाधिक वेग कितना है? तो प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या है? 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग। और कई कई बुकों में दोस्तों 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? कई कई बुक में दोस्तों 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखा है, और कई कई बुक में 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखा है। परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या है दोस्तों? इनका जो सर्वाधिक वेग 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आगे है, यह तीनों माध्यम में गति करती है। क्या करती है दोस्तों? यह तीनों माध्यमों में गति करती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। तीनों माध्यम में गति करती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में गति करती है। सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में गति करती है, उससे कम द्रव माध्यम में गति करती है, फिर सबसे कम गैस माध्यम में गति करती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से तीन माध्यम है जिनमें तीनों माध्यमों में गति करती है प्राथमिक तरंगे, ठोस, द्रव और गैस। आगे है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्राथमिक तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों प्राथमिक तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य और ध्वनि तरंगों के समान रहती है। अब अनुदैर्ध्य तरंगों के समान और ध्वनि तरंगों के समान रहती है दोस्तों प्राथमिक तरंगों की प्रकृति। समझ में आ गया? अगले ये है, सबसे कम विनाशकारी है। क्या है दोस्तों? सबसे कम विनाशकारी है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। ये कम विनाश करती है परंतु कम है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंग के बारे में। इसके एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक तरंगे की पहली विशेषता है सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। दूसरी विशेषता है प्राथमिक तरंगों की सर्वाधिक वेग है इनका 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरी विशेषता है प्राथमिक तरंगों की इनका जो औसत वेग है वह है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चौथी विशेषता है, यह तीनों माध्यमों में गति करती है, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। पांचवी विशेषता है इसकी प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों और ध्वनि तरंगों के समान रहती है प्राथमिक तरंगों की प्रकृति। छठवीं विशेषता है, यह सबसे कम विनाशकारी होती है, मतलब कि कम विनाश करती है दोस्तों प्राथमिक तरंगे। तो आपको प्राथमिक तरंगों की जो विशेषता है, 6 विशेषता है इसकी, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं द्वितीय तरंग की ओर। अब है दोस्तों द्वितीय तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है दोस्तों द्वितीय तरंगे, है ना, कि प्राथमिक तरंगे दोस्तों सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, परंतु प्राथमिक तरंगों के बाद, मतलब फर्स्ट नंबर पर प्राथमिक तरंगे धरातल पर पहुंचती है, और सेकंड नंबर पर जो द्युतक तरंगे हैं वो पहुंचती है। तो प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे हैं द्युतक तरंगे। अब है इनका वेग कितना है, जैसे प्राथमिक तरंगों का जो सर्वाधिक वेग था वह 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड था, वैसे ही द्वितीय तरंगों का वेग है 4 से 7
किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड द्युतक तरंगों का वेग है, परंतु इनका जो औसत वेग है वह है 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या जो द्युतक तरंगों का जो औसत वेग है दोस्तों वह है 5.5 प्रति सेकंड, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। अब है केवल ठोस में गमन करती है, केवल दोस्तों ठोस माध्यम में गति करती है दोस्तों द्वितीय तरंगे, और जो प्राथमिक तरंगे थी वो तीनों माध्यम में गति करती है, परंतु ये जो द्वितीय तरंगे है केवल ठोस माध्यम में गति करती है। आगे है इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है, तो द्वितीय तरंगों की जो प्रकृति है वह है अनुप्रस्थ तरंगों और प्रकाश तरंगों के समान है, अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगों के समान है दोस्तों द्वितीय तरंगों की प्रकृति। अब है इनका विनाश मतलब कि तीव्रता, विनाश मतलब कि तीव्रता, तो इनका जो विनाश है कैसे करती, मतलब कितना करती है, तो पी मतलब कि प्राथमिक, पी मतलब कि पी को किससे कौन है प्राथमिक तरंगे, और एल दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे थे उनको दो भागों में बांटा गया था, भूगर्भिक और धरातलीय, उनमें से भूगर्भिक को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, प्राथमिक तरंगों को पी से और द्वितीयक तरंगों को एस से लगते हैं, और जो भूगर्भिक और दूसरा भाग था धरातलीय तरंगे, तो धरातलीय तरंगों को दोस्तों हम एल से लिखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे धरातलीय तरंगों के बारे में, परंतु दोस्तों यहाँ पी मतलब कि प्राथमिक तरंगे और एल मतलब कि धरातलीय तरंगे, तो प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाश करती है, क्या करती है, प्राथमिक तरंगों से ज्यादा विनाश करती है दोस्तों द्वितीयक तरंगे, और एल से मतलब कि धरातलीय तरंगों से कम विनाश करती है, पी से ज्यादा और एल से कम। तो आपको समझ में आ गया होगा द्वितीयक तरंगों के बारे में। अब जो द्वितीयक तरंगों को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उनकी जो विशेषता है उनको फिर से देख लेते हैं। इनकी द्वितीयक तरंगों की पहली विशेषता है प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है, सेकंड है वेग, इनका जो वेग है वह 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और उनका जो औसत वेग है वह 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इनका चौथी विशेषता है केवल ठोस माध्यम में गति करती है दोस्तों, और इनकी जो प्रकृति है पांचवी विशेषता है, इनकी जो प्रकृति है वह अनुप्रस्थ तरंगे और प्रकाश तरंगों के समान रहती है, और इनकी छठी विशेषता है इनका जो विनाश मतलब तीव्रता पी से ज्यादा और एल से कम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा भूगर्भिक को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे क्या होती क्या है, इसका दो दो बार पढ़ लिया हम, रिवाज मतलब रिवाज कर लिए हैं दोस्तों, परंतु इनकी अब दोस्तों फिर से देख लेते हैं इनकी अंतर। तो प्राथमिक तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, परंतु द्वितीय तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है। प्राथमिक तरंगों का सर्वाधिक वेग है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, द्वितीय तरंगों का वेग है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्राथमिक तरंगों का औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और द्वितीय तरंगों का औसत वेग है 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्राथमिक तरंगों तीनों माध्यम में गति करती है, और द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती है। प्राथमिक तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य धरीय और ध्वनि तरंगों के समान रहती है, परंतु द्वितीयक तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगे और प्रकाश तरंगों के समान रहती है, और प्राथमिक तरंगों की तरंगे कम विनाश करती है, परंतु द्वितीयक तरंगे पी से ज्यादा और एल से कम विनाश करती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों के बीच में अंतर, इनके अलग अलग भी पढ़ लिए थे और ऐसी भी अंतर में भी पढ़ ली है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे दोस्तों। आ गए दोस्तों धरातलीय तरंगे,
जिन्हें हम एल से लिखते हैं, धरातलीय तरंगों को हम एल से लिखते हैं। धरातलीय तरंगों को दोस्तों लव तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगों को दोस्तों लव तरंगे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? जो धरातलीय तरंगे हैं उनको लव तरंगे कहते हैं। इनका निर्माण मतलब कि सॉरी इनके खोज एडवर्ड हाफ लव ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड हाफ लव एक वैज्ञानिक है। इन्होंने दोस्तों लव तरंगे मतलब कि धरातलीय तरंगों की खोज की थी, इसलिए एडवर्ड हाफ लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनका धरातलीय तरंगों को लव तरंग कहते हैं इनके नाम से। एडवर्ड हाफ जो वैज्ञानिक है एडवर्ड हाफ लव, इन्हीं के नाम से इनका धरातलीय तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इनका वेग, जो इनका वेग है वह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है दोस्तों धरातलीय तरंगों का वेग, मतलब कि सबसे न्यूनतम वेग है। क्या है? सबसे न्यूनतम वेग है दोस्तों ये। क्लियर हो गया कि धरातलीय तरंगों का जो वेग है वह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब सबसे न्यूनतम वेग है ये। अब दोस्तों इनकी प्रकृति, प्रकृति कैसे होती है? जैसे हमने सभी तरंगों में इनकी सभी सभी की अलग अलग प्रकृति देखी, वैसे ही धरातलीय तरंगों की भी अलग प्रकृति है। तो वह है धरातलीय तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के समान रहती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के समान रहती है दोस्तों धरातलीय तरंगे। अब दोस्तों यह सभी माध्यम में गति करती है। तीन माध्यम है दोस्तों, उन सभी माध्यमों में सभी माध्यमों में गति करती है दोस्तों धरातलीय तरंगे। उनमें सबसे ज्यादा गति ठोस में करती है, ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा गति करती है दोस्तों धरातलीय तरंगे। अगली विशेषता है इसकी, सबसे लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है? सबसे लंबी दूरी तय करती है दोस्तों धरातलीय तरंगे, इसलिए इन्हें लंबी तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लंबी तरंगे भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे लंबी दूरी तय क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों यह जो धरातलीय तरंगे हैं यह धरातल पर सबसे लास्ट में पहुंचती है, सबसे लास्ट में पहुंचती है दोस्तों धरातलीय तरंगे धरातल पर। क्या दोस्तों? इसलिए यह सबसे लंबी दूरी तय करती है और यह इन्हें लंबी तरंगे कहते हैं। अब यह सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है दोस्तों धरातलीय तरंगे, और सबसे कम विनाशकारी प्राथमिक तरंगे। अब दोस्तों अगर इन जो तीनों तरंगे पड़ी हमने भी उन तीनों तरंगों का देखे तो तरंगों का वेग मतलब की गति, तरंगों की गति क्रम में सबसे ज्यादा पी तरंगे हैं उनका वेग रहता है, उससे कम एस जो तरंगे हैं उनका रहता है, फिर जो एल तरंगे हैं उनका सबसे कम वेग रहता है। पी मतलब कि प्राथमिक तरंगे, एस मतलब कि दोस्तों द्वितीयक तरंगे, एल मतलब कि धरातलीय तरंगे। सबसे ज्यादा प्राथमिक तरंगों का वेग रहता है, उससे कम द्वितीयक तरंगों का वेग रहता है, और सबसे कम धरातलीय तरंगों का वेग रहता है। और अगर हम तरंगों की तीव्रता में करें क्रम देखोगे, तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी रहती है? सबसे कम तो तीव्रता में क्रम है सबसे ज्यादा एल का, उससे कम एस का, फिर उससे कम पी का, पी की तीव्रता। तीव्रता में मतलब कि अभी बताया था कि विनाश तो सबसे ज्यादा विनाश करती है दोस्तों एल मतलब कि धरातलीय तरंगे, और उससे कम विनाश करती है एस मतलब द्वितीयक तरंगे, और सबसे कम विनाश करती है पी तरंगे मतलब कि प्राथमिक तरंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा धरातलीय तरंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी जो विशेषता है धरातलीय तरंगों की, इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। पहली विशेषता, इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं, इनकी खोज एडवर्ड हाफ लव ने की थी इसलिए। दूसरी विशेषता है इनका वेग, जो वेग है यह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब सबसे न्यूनतम वेग है।
तीसरी विशेषता है कि प्रकृति अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में होती है। और चौथी विशेषता है सभी माध्यम में गति करती है, सर्वाधिक ठोस माध्यम में गति करती है। पांचवी विशेषता है सबसे लंबी दूरी तय करती है, इसलिए लंबी तरंगे कहती है। छठी विशेषता है इसकी सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। दोस्तों समझ में आ गए धरातलीय तरंगे, समझ में आ गए दोस्तों। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, और पृथ्वी के तीन परत है, क्रस्ट और मेंटल और यह है क्रोड। पृथ्वी की तीन परतें हैं दोस्तों, क्रस्ट मेंटल और क्रोड, है ना। तो पृथ्वी हो गई दोस्तों, थोड़ा चित्र अच्छे से मैंने कोशिश की मैंने परंतु अच्छे से बनी। ये पृथ्वी दोस्तों मैं चाहता तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो सभी एक में बता देता, परंतु आपको अच्छे समझ में नहीं आते इसलिए मैंने अलग अलग बताया हूँ दोस्तों। तो ये हमारी पृथ्वी है जिसको तीन भागों तीन परत है पृथ्वी की, और ये यहाँ भूकंपीय अधिकेंद्र है। क्या है, भूकंपीय अधिकेंद्र है जहाँ तरंगे धरातल पर भूकंपीय अधिकेंद्र है, जहाँ धरातलों का सर्वप्रथम अनुभव किया करते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो ये भूकंपीय अधिकेंद्र है, और भूकंपीय जब तरंगे भूकंपीय अधिकेंद्र पर जाती है तो वहां से दोस्तों अलग अलग दिशाओं में बट जाती है, अलग अलग दिशाओं में चली जाती है दोस्तों। इस तरह से अलग अलग दिशाओं में वहां से चली जाती है। तो यहां से दोस्तों यहाँ जो तरंगे अलग अलग दिशा में चलती है, तो यहाँ 105 डिग्री तक, कहाँ तक, 105 डिग्री तक, और इस साइड भी दोस्तों 105 डिग्री तक जो क्षेत्र है दोस्तों वहां प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे ही गमन करेगी, मतलब कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे ही यहाँ संचरण करेगी 105 भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक इतना भाग में दोस्तों केवल प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे ही संचलन करेगी। दूसरा हमारा है ये हमारी पृथ्वी है जिसको तीन परतें हैं, और इतने भागों में, कितने भागों में दोस्तों, ये था भी 105 डिग्री तक जिसमें प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे संचलन करती है यहाँ और यहाँ 105 डिग्री तक, और 105 से 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, और इधर भी 105 डिग्री से और 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों कोई सी भी जो है वो तरंगे, कोई सी भी तरंगे गमन नहीं करती, मतलब कोई सी भी तरंगे संचलन नहीं करती है। तो मतलब उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे जहां कोई सी भी तरंगे संचरण नहीं करती है। कहां से कहां तक, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक इधर भी, और इधर भाग में प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे संचरण करती है। तो मैं अच्छे समझ लेता हूँ आपको, जो ये भाग वाला भाग है इसमें कोई सी भी जो है वो तरंगे हैं वह गमन संचलन नहीं करती है। अब दोस्तों ये तीसरा चौथा ये हमारे पढ़ते हैं जिसके तीन पढ़ते हैं मेकास मेंटल कोड। तो इधर भागों में दोस्तों प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंग गमन कर संचलन करती है 105 डिग्री तक, 105 से 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इधर भी तो वहां कोई भी जो तरंगे हैं वह गमन संचरण नहीं करती है। परंतु फिर दोस्तों जो 145 है, 145 डिग्री से इधर भी जो 145 का जो क्षेत्र है दोस्तों डिग्री तक का जो क्षेत्र है वह उसमें केवल प्राथमिक तरंगे संचरण करती है, क्या करती है, उसमें केवल प्राथमिक तरंगे संचरण करती है ये वाला। यहां से इस साइड जो 145 तक का जो क्षेत्र है वहां कोई सी भी दोस्तों तरंगे संचलन नहीं करती है, सॉरी प्राथमिक तरंगे संचलन करती है,
कौन से तरंगे संचलन करती है? केवल प्राथमिक तरंगे ही संचलन करती है। दोस्तों यहाँ 105 डिग्री है, अभी हमने देखा ना यहाँ 105 डिग्री है और इस साइड भी यहाँ 105 डिग्री है। यहाँ 105 डिग्री और यहाँ भी 105 डिग्री है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों 105 डिग्री ये पूरा यहाँ से ये वाला 105 डिग्री, ये पूरा 105 डिग्री दोस्तों जो क्षेत्र है वह है द्युतक तरंग छाया क्षेत्र है। क्या है? द्युतक तरंग छाया क्षेत्र दोस्तों। इधर 105 डिग्री से और इधर 105 डिग्री तक द्युतक छाया द्वितीय तरंग छाया क्षेत्र है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा मतलब कि यह सबसे घना क्षेत्र है। क्लियर? तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को रिवाइज करिए, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अगर आज की वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं भूकंप के पार्ट 4 में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक माता पिता का ख्याल रखे और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।